Private Limited presents Highlander Awards 2020, powered by Damodar Hari Foundation. पर्यावरण के क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान के लिए जब गांव के युवा अपने भविष्य की तलाश में शहरों का रुख कर रहे थे, वहीं एक युवा ने अपने गांव में रहकर अपनी थाती को संवारने का काम शुरू किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद अल्मोड़ा जनपद के द्वारा हाट विकास खंड के पनीर गांव में इस भगीरथ प्रयास को किया। वर्ष 1990 से बहुत छोटी उम्र में वो अपने अभियान में जुड़ गए और उन्होंने गांव के जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने को अपना लक्ष्य बनाया। रानीखेत बागेश्वर मोटर मार्ग के पास उनकी लगभग 20 नाली जमीन, जो कई दशकों से बंजर थी, उसे सभी लोग बेकार कहते थे। यहाँ दूर दूर तक पानी तो दूर, कहीं सीलन तक भी नहीं थी। लोग इसे टाटीक के नाम से जानते थे। टाटीक का मतलब एक तरह का रेगिस्तान। इस युवा ने फैसला लिया कि वो इस रेगिस्तान में पानी पैदा करेंगे। वो कहते हैं कि उनके दिमाग में हर समय दुष्यंत का ये शेर जोर मारता था, वक्त की रेत पर एड़ियां लगाते रहें, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। और उस पर उन्होंने अमल भी किया। एक एनजीओ के माध्यम से उनका यह प्रयास सफल रहा और आज उस क्षेत्र में ग्रामवासियों के लिए पानी उपलब्ध है। इसके साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में पौधारोपण किया। बांज जैसी प्रजाति, जिसके बारे में लोग कहते थे कि यहां हो ही नहीं सकता, उससे ही उन्होंने इसकी शुरुआत की। उन्होंने सैकड़ों चौड़ी पत्ती के पौधे लगाए, इसे जैव विविधता का मॉडल बनाया। आज इस जगह पर हजारों पेड़ हैं, यहां पर पानी के स्रोत फूटे हैं। अगर आप कभी रानीखेत से कौसानी जा रहे हो तो इस एक छोटे से जंगल को देखकर खुश हो सकते हैं। अपने गांव का प्रधान रहते हुए कई जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया है। पनेर गांव के जल विहीन हो चुके एक पुराने गधेरे को सघन वृक्षारोपण से रिचार्ज किया है। अब इस गधेरे से एक पेयजल योजना दो गांवों को पेयजल मुहैया करा रहा है। इस युवा ने पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार और पलायन रोकने की पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन में विशेष योगदान हेतु हाईलैंडर फाउंडेशन हाईलैंडर अवार्ड्स 2020 से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री मनोज पांडे।